हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर वीडियो बनाए मैंने काफी ज्यादा दिन हो गए। मतलब मैंने उस पर वीडियो ही नहीं बनाई यार काफी दिनों से, लगभग जो है हो गए होंगे ज्यादा नहीं तो चार पांच महीने से अपकमिंग बाइक्स पे हमने वीडियो नहीं बनाई। तो आज जो है बात करेंगे अपकमिंग बाइक्स के बारे में कि आने वाली 2022 और 2021 में हमें कौन सी बाइक्स देखने मिलेंगी जिनके लिए हमें वेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो को लाइक कर देना। एम रखता हूँ ओनली 2000 लाइक्स का। 2000 लाइक्स तो चुटकियों की बात है यार, आप जो अभी करा दोगे एक दो घंटे में, तो देखते हैं इस कितनी जल्दी आप 2000 लाइक्स कराते हो। बाकी चलिए बात कर लेते हैं अपनी पहली बाइक के बारे में। टोटल जो है 5 बाइक्स के बारे में बात करूँगा। जो पहली बाइक आती है गाइस वो आती है हमारे पास यहाँ पे यामा की तरफ से। MT-15 का नया मॉडल आने वाला है जो कि इसी 2021 में लॉन्च हो जाएगा। इसमें जो हमें एक फेसलिफ्टेड मॉडल बोल सकते हो आप, यहाँ पे जो फ्रंट में हमें USD सस्पेंशन देखने मिल जाएगा, नया लुक जो है देखने को मिल जाएगा MT-07 जैसा कुछ। उसके अलावा जो है स्लीपर क्लच वगैरह तो आपको पहले ही मिलती तो वो तो आपको देखने मिलेगी ही। यहाँ पे जो है क्विक शिफ्टर वगैरह देखने मिल जाएगा, नया मीटर कंसोल देखने मिल जाएगा, ड्यूअल चैनल EBS में देखने मिल जाएगा। तो ये सारे चेंजेस इसके अंदर होंगे। बाकी डेडिकेटेड वीडियो जो है मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है तो जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। बात करूँ लॉन्च और प्राइसिंग के बारे में, तो लॉन्च जो है ये होने वाली है इसी साल के एंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 2021 के एंड दिसंबर मंथ में लॉन्च हो जाएगी। कभी भी कंफर्म नहीं है डेट वगैरह, लेकिन मंथ कंफर्म है कि दिसंबर में जो है लॉन्च हो सकती है। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग जो है 10 से 12 हज़ार या फिर 15 हज़ार मैक्सिमम इसकी प्राइस पड़ेगी, और फिर जो है लगभग 185 लाख तक ऑन रोड जाने वाली है। तो ये हुई है हमारी फर्स्ट बाइक। बात करूँ सेकेंड बाइक के बारे में, तो सेकेंड बाइक जो हमारी आती है रिपीट यामा, मतलब जो है अगेन यामा की ही आने वाली है, यामा की R15S। ये जो एक बेसिक मॉडल होने वाला है R15 का, जो कि कंपनी इसको अलग से लॉन्च करने वाली है। यामा का R15S जो कि सेम इंजन के साथ में आएगी जो R5M में हमें देखने मिलता है, लेकिन कुछ फीचर्स है जो कि इसमें हमें नहीं देखने मिलेंगे। लाइक यहाँ पे USD सस्पेंशन हमें नहीं देखने मिलेंगे, उसके अलावा जो है यहाँ पे हमें नया वाला मीटर कंसोल नहीं देखने मिलेगा, ओल्ड वाला ही देखने मिलेगा। उसके बाद में जो है इस यहाँ पे हमें क्विक शिफ्टर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एज ऑप्शन आप जो उसमें ऐड करवा पाओगे। बाकी जो लुक्स भी शायद आपको ओल्ड वाला ही देखने मिले V3 वाला, लेकिन फ्रंट चेंज कर देंगे, टेंशन मत लेना कि भाई वही सेम लॉन्च कर दी। तो लुक्स यहाँ पे चेंज कर दिए जाएंगे इसके फ्रंट के, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने मिल सकता है। बाकी जो है एडजस्टेबल आपको लीवर्स वगैरह इसमें देखने को मिल सकते हैं ताकि कुछ इंटरेस्टिंग बने, कुछ हटके बने कंपेयरिंग टू R15M और V4। तो यहाँ पे जो है ये जो बाइक है इसके लिए अप्रूवल कंपनी ने अप्रूवल सर्टिफिकेट जो है डाली है, तो वो जो है लीक हो चुकी है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये भी जो है काफी जल्दी लॉन्च हो जाएगी, लगभग जो है दिसंबर के एंड तक इसको भी लॉन्च कर देगी कंपनी। हो सकता है नई MT-15 और R15S को एक साथ लॉन्च करे, जो कि 90% चांसेस है कि दोनों को एक साथ लॉन्च कर सकती है। प्राइसिंग जो है इसकी काफी सस्ती होगी कंपेयरिंग टू R5M, ये जो है लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए सस्ती होने वाली है। तो पहले वाली R5 V3 के प्राइस में कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है एक बेसिक वेरियंट है इसका, और काफी कम कीमत में आएगा और काफी वैल्यू फॉर मनी भी होगा। चलिए इसमें बात कर लेते हैं थर्ड बाइक के बारे में कि थर्ड कौन सी बाइक है जो आने वाली है 2022 में। अब 2021 में कोई नहीं आएगी, अब आएगी डायरेक्ट 2022 में। तो जो थर्ड बाइक हमारी है वो है पल्सर की RS 200, मतलब बजाज की पल्सर RS 200, जिसकी की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है गाइस वो जो है आपकी 2021 के मिड तक आएगी, मतलब मिड से पहले ही आ जाएगी, बल्कि मतलब मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करूँ इसके चेंजेस के बारे में कि RS 200 में क्या चेंज होगा, तो भाई सबसे पहली बात तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल बाइक को चेंज कर दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है एक नया फ्रेश लुक इसको दिया जाएगा। उसके बाद में नया मीटर कंसोल, नई हेडलाइट वगैरह, इसके अंदर जो है आपको ड्यूअल चैनल ABS ऑलरेडी मिलता है, बट यहाँ पे USD सस्पेंशन नहीं मिलते, तो वो हमें देखने मिल जाएगा। क्विक शिफ्टर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि सारे फीचर हमें R15M में देखने मिलते हैं, वही ऑलमोस्ट 90% फीचर्स हमें इसमें देखने मिल जाएंगे, लेकिन बजाज जो है कुछ हटके दे सकता है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो प्राइस है वो लगभग जाएगी 2 लाख रुपए तक ऑन रोड, मतलब हमेशा जो है सेम ही रही R15M की, मतलब R15 की और RS की, तो इसकी भी जो है सेम ही जाएगी, उनके बराबर ही जाएगी प्राइस। तो लगभग 2 लाख मान के चलो कि भाई 2 लाख तो इसकी प्राइस जाएगी ही जाएगी। तो ये थी गाइस हमारी थर्ड बाइक जो कि काफ़ी ज़्यादा अपडेट होकर आने वाली है, पल्सर RS 200। अभी जो है इसमें बात कर लेता हूँ इनकी फोर्थ बाइक के बारे में। जो फोर्थ बाइक है वो है गाइस
पल्सर NS200, बजाज पल्सर NS200 आने वाली है, जो कि ऑल्सो नए पूरे अवतार में आएगी और इसमें भी काफी सारे चेंजेस होंगे। लाइक यहाँ पे जो हमें ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा, फ्रंट में जो है USD सस्पेंशन मिल जाएगा, और यकीन मानो यदि इसका नया मॉडल आ गया ना तो MT वगैरह आपकी सब फेल है। NS200 में इन्होंने अपडेट कर दिया ना एक बार तो MT वगैरह की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे जो अपडेट हमें चाहिए वो कंपनी दे देती है, तो जो बाइक का लुक्स है वो तो होगा ही डेफिनेटली बिल्कुल चेंज, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी इसकी अच्छी है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। लाइक ड्यूअल चैनल एबीएस मिल जाएगा, USD सस्पेंशन मिल जाएंगे। आप जो इमेजिन करोगे USD के साथ में NS कैसी लगेगी, काफ़ी गजब की लगेगी। अभी जो है इस बात कर लेते हैं हमारी लास्ट बाइक के बारे में, मतलब फिफ्थ बाइक के बारे में। जो फिफ्थ बाइक है हमारी वो है गाइस रॉयल इनफील्ड की जो क्रूजर इनकी 650 आ रही है वो, जो कि इंटरसेप्टर के इंजन के साथ में आएगी। एंड रिसेंटली जो इसको देखा गया है रोड पे टेस्टिंग होते हुए, वो भी विदाउट रैपिंग, तो यहाँ पे कोई भी रैप वगैरह नहीं था और बाइक जो है देखने में काफ़ी सही लग रही थी। तो यहाँ पे जो है इनकी बाइक आ रही है काफ़ी अच्छी चलेगी मेरे को लगता है, बिकॉज ये जो है बजट में इसको लॉन्च करेंगे, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इसको लॉन्च करने वाले इंडियन मार्केट में। ये जो है एक 650cc की क्रूजर बाइक होने वाली है। हार्ले डेविडसन आपको पता है इंडिया में अब कहाँ कौन खरीदता है ज़्यादा, बिकॉज कंपनी नहीं है तो फिर कोई क्यों उस पर रिस्क लेगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई है ही नहीं मतलब। लेकिन रॉयल इनफील्ड जो है एक ऑप्शन यहाँ पे ले आएगा आपके लिए क्रूजर 650। तो ये जो बाइक होगी ये जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी जो लॉन्ग राइड्स के शौकीन है, सिटी यूज़ के लिए ये बिल्कुल भी काम की नहीं होने वाली। लेकिन रॉयल इनफील्ड इसको इस पर्पज से बना रहा है कि सिटी में भी यूज हो जाए और यहाँ पे जो है हाईवे राइड्स के भी यूज़ हो। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका जो है अच्छे से पूरा फ्रंट वगैरह जो है लीक होने दो, अच्छे से सब कुछ उसके बारे में बताते हैं कि ये कैसी बाइक है। तो ये जो है इस लॉन्च होने वाली है जनवरी मंथ में 2022 के। आपको पता है रॉयल इनफील्ड जो है हर साल अपनी एक से दो नई बाइक्स लेके आएगा, अब जैसे कि इस साल में हमें देखने को मिली तो वैसे ही जो है नेक्स्ट ईयर भी हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, और जिसमें से एक होने वाली है अपनी रॉयल इनफील्ड की 650cc की क्रूजर बाइक। तो ये थी गाइस कुछ बाइक्स अपनी जो कि आने वाली है 2022 तक, एंड मिड से पहले पहले सारी देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी दिनों बाद डाली मैंने अपकमिंग बाइक्स पे वीडियो, बिकॉज बाइक में थी नहीं मतलब खास, थी तो बहुत सारी बाइक्स लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उस वजह से जो है कम वीडियो आई इस पे। लेकिन फाइनली जो है अपकमिंग बाइक्स पे हमने वीडियो डाल दी है, तो आपका काम है इसको लाइक करना और 2000 लाइक्स जो है इसके कंप्लीट कराना। बाकी चले गए सभी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो नीचे जो इंस्टाग्राम की आईडी दे दी है आप मेरे को DM करो। बाकी चलिए मिलते हैं सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।